हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहे हैं बल्क में चिली पोटैटो। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं भैया। भैया ने सबसे पहले ये आलू लिए, इनको छीला और अब भैया इनकी कट कर रहे हैं। इसको देखो, किस किस को चिली पोटैटो पसंद है आप मुझे बताइए। मेरे तो फेवरेट से भी फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मतलब मुझे सच से अच्छे यही लगते हैं। उसके बाद भैया ने देखो ये काट के अब इस बाउल में ये डाल देंगे सारे। इसके ऊपर से भैया ने इस पर पानी डाला जो कि इनको वॉश करने के लिए सबसे ज़रूरी। तो फ्रेंड यहाँ पे भैया ने अच्छे से वॉश कर दिया। इसके बाद इसको पानी को अलग किया और आलू को अलग कर दिया। उसके बाद आलू में इसकी कोटिंग करने के लिए भैया ने फूड कलर डाल दिया है ऊपर से। उसके बाद ये डाला है कॉर्नफ्लावर। उसके बाद इसको अच्छे से कोट कर दिया, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि जितनी अच्छी कोटिंग होती है उसकी क्रिस्पी आपके चिली पोटैटो बनेंगे। और देखिए भैया ने कितने अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर दिया है। तो भैया ने देखो अभी यहाँ पर ले आए हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो तेल गर्म हो गया है तो हमने आलू डाल दिए हैं, तो ये फ्राई हो रहे हैं और ये डीप फ्राई होते हैं क्योंकि ये बहुत तभी क्रिस्पी बनते हैं। तो भैया देखिए सारे बल्क में जितना भी भैया ने बनाया था ये फ्राई हो चुके हैं। अभी इन्हें भैया बाहर निकाल दें हैं, जो कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। मतलब कौन कौन ऐसे ही खाली आलू खाता है बिना फ्राई किए।